आज पूरी दुनिया एक छोटे शहर में बदल गई है। ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे सोचने का, पढ़ने का, बोलने का तरीका बदल गया है। ग्लोबलाइजेशन के कारण, यहाँ तक इसके कारण हमारा खाना और खाने का तरीका तक भी बदल गया है। ग्लोबलाइजेशन ने हमारा पूरा जीवन बदल दिया है। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं या जिनके बिना भी हम रह सकते हैं, पर फिर भी हम उनको खरीदते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है एक से ज़्यादा देशों का आर्थिक रूप में आपस में जुड़ना। इसमें एक देश दूसरे देश में बिजनेस करता है, एक देश के प्रोडक्ट्स दूसरे देशों को बेचे या उनसे खरीदे जाते हैं, एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश इस्तेमाल करते हैं। भारत में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 1991 को हुई थी। उसके बाद से हम भारतीयों की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने कैसे हमारी लाइफ चेंज कर दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नोवल टीवी पर। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबलाइजेशन से पहले हम सभी घर का बना खाना ही खाते थे। किसी दिन त्योहार को भी घर में ही मिठाई बना लेते थे। ज्यादा से ज्यादा साल में एक दो बार बाहर से गर्म गर्म जलेबी और समोसा लाकर खा लेते थे। पर आज हम घर का बना खाना कम और बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं। मेट्रो सिटीज में तो घर का बना खाना बहुत से लोगों का सपना ही रह जाता है। ऑनलाइन फूड सर्विस ने हमें घर के खाने से बहुत दूर कर दिया है। हम पहले दोस्तों के साथ समोसा, कचौड़ी, पकौड़े खाते थे, पर ग्लोबलाइजेशन के कारण अब हम पिज्जा, बर्गर, नूडल्स खाने लगे। यहाँ तक हम हमारे रीति रिवाजों और शादियों में भी ये विदेशी भोजन खाने लगे। सच में ग्लोबलाइजेशन ने हमारा खाना पूरी तरह से बदल दिया है। ग्लोबलाइजेशन से पहले हमारे स्कूल कॉलेज में हिंदी भाषा को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी, पर अब हमारे देश में ऐसे बहुत से स्कूल कॉलेज हैं जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही स्टडी कराते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश बोलना कंपलसरी होता है। अगर स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज में किसी और भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना लगा दिया जाता है। आजकल हर बड़े छोटे शहर में ऐसे बहुत से कोचिंग सेंटर खुल गए हैं जो आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। ग्लोबलाइजेशन ने हमारे स्कूल कॉलेज का मीडियम चेंज कर दिया है और हमारे पढ़ने का तरीका भी पूरी तरह से बदल दिया है। अब हमारे स्टूडेंट्स शहीद भगत सिंह के बारे में कम, पर जूलियस सीजर के बारे में ज़्यादा जानते हैं। हिंदी की जगह फ्रेंच, जर्मन जैसी भाषा सीखते हैं। पहले के समय में भारत के लोग कर्ज से बचते थे। अगर किसी की बहुत मजबूरी हो तभी वो कर्जा लेता था, क्योंकि हम भारतीयों की आदत सेविंग करने की थी। हम जितना कमाते थे उसमें से आधा तो सेव कर लेते थे, पर ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी सेविंग की आदत खत्म हो गई। अब हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो खर्चा कर देते हैं, क्योंकि मीडिया टीवी हमें पूरा दिन नए नए प्रोडक्ट्स दिखाता रहता है कि आपको जो भी चाहिए आपको वो भी चाहिए, जिस वजह से हम ज़्यादा खर्चा करने लगे। अगर आपके पास पैसे नहीं तो EMI तो है ही। आज आप किसी भी चीज़ को आसानी से EMI से खरीद सकते हैं। अगर आपको घर, कार, बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत है तो कोई भी बैंक आपको आसानी से लोन दे सकता है। ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे धर्म, कल्चर, गीत संगीत, हमारी वैल्यूज पर बहुत असर पड़ा है। हम बहुत तेजी से वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। देखा जाए तो जापान भी ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है, पर उन्होंने कभी भी अपनी भाषा, अपने कल्चर पर इसका असर पड़ने नहीं दिया। उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वो अपनी भाषा, अपने कल्चर का साथ देते हैं, पर हम भारतीय लोग अपने कल्चर को भाए और वेस्टर्न कल्चर को हाय कहते हैं। कहते हैं जिस देश की भाषा खत्म हो जाए वो देश भी जल्दी ही खत्म हो जाता है। अंत में दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।